साहब। ओ माशाल्लाह चंद। दो रास्ते हैं, एक जा रहा है जी जीटी रोड वाला, छत्तर पार्क वाला, और एक जा रहा है मुजफ्फराबाद मरी और पथिराता चेयरलिफ्ट। तो हम मोटरवे एक्सप्रेसवे से जाएंगे, ये मरी एक्सप्रेसवे है, तो हम यहाँ से जाएंगे। तो अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए फ्राइड चिक्स पे, तो यहाँ से चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। अच्छा, डोनट्स हमने ले लिए, तो अभी हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं ऊपर। Assalamualaikum, this is me Tala Mughal, we are back in another vlog। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी तक जिन्होंने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलेगा। आज आपका भाई जा रहा है जी मरी टूर पे अपने दोस्तों के साथ, तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ इंजॉय कर रहे हैं। अभी असीब भाई आ रहे हैं खन्ना पुल, उनको वहाँ से पिक करूँगा, फिर हम जाएंगे B17, वहाँ से हमारे हफीज़ भाई को पिक करना है और उसके बाद हमने जाना है मरी। तो देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसे होने वाला है, तो इंशाल्लाह आपके साथ भी सारा शेयर करेंगे, इंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे। तो अभी चलते हैं, पहले पेट्रोल फुल करवाते हैं टैंक, उसके बाद जो है असीब आ रहा होगा, खन्ना पुल पहुँचने वाला होगा, तो बस अभी यही सीन है। तो काफ़ी टाइम से आपका भाई व्लॉग नहीं बना रहा था, तो इंशाल्लाह अभी आपके भाई की कोशिश होगी कि डेली व्लॉग बनाए और आपको एंटरटेन करता रहे। तो इसके बाद अभी व्लॉग स्किप नहीं करेंगे, कोशिश अपनी पूरी करेंगे, जो भी करेंगे बस थोड़ा बहुत जो भी बनाएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अभी जो है मैं आ गया हूँ केरल रोड से नीचे, अभी अटक पम्प से हम डलवाते हैं पेट्रोल, और पेट्रोल डलवाने के बाद ही भाई भी आ गए होंगे, उनको पिक करेंगे, फिर हम जाएंगे देन हफीज़ भाई के पास। तो चलें आ गया जी अटक पम्प, यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं फिर निकलते हैं आगे। पेट्रोल 2500। अच्छा, तो पेट्रोल डल गया 2500 का, तो अभी हम जो है मीटर को कर लेते हैं ज़ीरो, गाड़ी को हम कर देते हैं ज़ीरो, तो अभी देखते हैं हमारी गाड़ी कितनी चलेगी। Let's go, तला ब्रो। ओ भाई साहब, प्यारी प्यारी कर गया है लड़का। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो ब्रो? ठीक ब्रो, मजे में? हाँ जी। और बड़े त्यार शायर हो के आए, लड़की त्यार हो के आई है भाई। तो हमने जो है ना रसीब भाई अभी अपनी गाड़ी की ने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनका कार्ड आए रिसीव कर लिए एक्साइज ऑफिस से, तो अभी भाई साहब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। भाई क्या सीन है? तो भाई साहब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जी, अभी हम जा रहे हैं। हाँ ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है, करें करें नंबर गाड़ी लेके आ गए। तो अभी हम जा रहे हैं जी हफीज़ भाई के पास सीधा H11 समय, H11 वाली साइड से जा रहे हैं, आगे पुलिस लाइन आएगी और सामने पुलिस चेक पोस्ट आ गई ब्रो। अभी हम आ गए हैं जी B17 गेट नंबर 1 से हम होंगे इंटर, और फिर हम जाएंगे हफीज भाई। Turn left onto Mr. One. और इसे कहते हैं मल्टी गार्डन। Continue on Mr. One for 1 km. क्या है यार ये, क्यों बोल रही है मल्टी गार्डन? B17 का नाम है मल्टी गार्डन्स, समझ रहे हैं, मल्टी गार्डन्स। तो फाइनली हम आ गए B17 के अंदर, तो अभी हम जा रहे हैं हफीज़ भाई की तरफ और वहाँ पे हम करेंगे नाश्ता पानी, और नाश्ता पानी करके फिर निकलेंगे मरी। ओ लड़का आज जोश में है, फुल जोश में है, पहले जा नहीं रहा था तभी फुल जोश में है भाई। इजाज़त जो मिल गई है, इजाज़त मिल गई है लड़के को, इजाज़त मिल जाए ना फिर ये अन्नी डाल देते हैं। अभी हम हफीज़ भाई के घर के बाहर आ चुके हैं, ये है जी हफीज़ भाई का घर, और गाड़ी हमने लगा दी है, बस अभी उनका इंतज़ार हो रहा है, वो आएंगे तो फिर हम निकलेंगे। हैं ऐसे ही आएंगे तो फिर निकलेंगे, नहीं पहले नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे। अच्छा, बाल बड़े अच्छे लगे हैं लड़के, क्या सीन? भाई बस कटवाने हैं, अभी नहीं कटवाए मैंने। हाँ हीरो बन गया तुम यार, किसी के इश्क में मुबतला नहीं हो गया? नहीं, अस्तगफुरुल्लाह। ओहो माशाल्लाह, चंद कितने गुजारी रात।
ओ रफीज भाई क्या हाल चाल है, ये चीज सेट है यार, रेडी होने का भी टाइम नहीं देते। रेडी होने का हमने पहले टाइम दिया भाई, जब निकले हम स्क्रीनशॉट देख लिया 10:30 का हम पहुंचे हैं। रफीज भाई ने ऑलरेडी नाश्ता हमारा लगाया हुआ है, माशाल्लाह। ये हैं जी ऑमलेट हैं और साथ में चाय, और ये हैं जी पराठे। वाह भाई वाह, ताज़े ताज़े गरम गरम पराठे, लड़का खाएगा और मज़े करेगा। चलें जी अभी नाश्ता वगैरह करते हैं तो फिर आगे का सीन देखते हैं। अरे हफीज़ भाई रेडी हमारे नहीं हुए। अच्छा तो अभी सीन ये है कि मैंने बोला क्यों ना आपको जो है ना हफीज भाई का जो ऑमलेट है ना, इन्होंने जो बनाया है वो ट्राई करके बताऊँ कि कैसा बनाया नाश्ता। लेवल भाभी ने हमारी ऑमलेट बहुत अच्छा बनाया है, और जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया हफीज भाई आपका, आपने भाई को नाश्ते पे इनवाइट किया। और अभी हम निकलेंगे मरी के लिए, तो नाश्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा है, चाय बाद में ट्राई करते हैं। बाकी जो है ना बिल्कुल फिट सीन है, तो बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कहना चाहेंगे? बस गुड हो गया। अच्छा तो अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया और अभी हम निकल रहे हैं जी मरी के लिए, और अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 10:55। तो B17 से अभी हम निकल रहे हैं, तो MR11 पे भी हम चढ़ने लगे हैं। तो देखते हैं, एफ़ ब्लॉक में हम थे, हफीज भाई एफ़ ब्लॉक में रहते हैं, बाकी घर का एड्रेस आगे नहीं बताता फुल। पूरा तो बता दिया तूने, और क्या करना। एफ़ ब्लॉक बताया ना भाई, घर का लाइन नहीं बताया ना, स्ट्रीट नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है, वो नहीं बताया। शायद मेरे ख्याल वो उधर आ रहा होगा, मैंने पहले जब पहुंचे थे ना आपके घर बताया था। इधर जा रहा है, इधर ही नहीं जाना। अच्छा तो गाइस अभी रास्ता आपका भाई भूल गया था, व्लॉग के चक्कर में ना बोलते हैं तुम हमें कश्मीर लेके चले जाओगे, मरी हम नहीं जाएंगे। तो अभी हम जो है ना, हमने लेफ्ट मुड़ना था, मैं आगे चला गया, वो पूरा गोल चक्कर लेके आगे चला गया, अभी यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे। तो चलें गाइस अभी चलते हैं, तो फिर आगे के सफ़र आपके साथ शेयर करते रहेंगे, मिलते हैं आपसे। गाइस अभी एक सीन हुआ है, मैं मरगला एवेन्यू पे चढ़ने लगा, फीस भाई मुझे बोलते हैं वही स्ट्रेट चलो ना, मैंने बोला क्यों स्ट्रेट क्यों चलूं, बोलते हैं रवास ही नहीं जाना, मरी रवास से जाना है ब्रो। मैं जरा चेक कर रहा था भाई का मैप, गूगल मैप काम कर रहा है या नहीं, ऐसा ना हो कहीं हमें कराची पहुंचा दे। तो भाई साहब मरी जो है ना रवास से जाते हैं, तो लाइक सीरियसली यार, मतलब रवास से मरी कौन जाता है, मैं ये बताएं, फर्स्ट टाइम तो मैं जा नहीं रहा मरी, फर्स्ट टाइम जा रहा मरी है। अच्छा ये मरी का ड्रैग क्यों नहीं जा रहे ना, इनके साथ एक सीन हुआ है ना, इस वजह से ये ड्रैग नहीं जाना चाह रहे कि मरी से आके हफीज भाई जो है ना 2-3 महीने बीमार रहे हैं, तो वो बीमारी फिर न लाई जाए, इस वजह से बोले रवाज से चलो लंबा होके चले आए, थोड़ा सा घूम के ताकि बीमारी को पता चले ये थोड़ा सा लंबा सफर करके आया है ना ब्रो, ऐसे ही है। तो अभी हम मरगला एवेन्यू पे आ गए, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, और हमारी स्पीड भी 80, हमने ज़्यादा भगाई भी नहीं है, और हमारा स्पार्टर जो है ना पीछे बैठा है, ठीक है पीछे बैठा हुआ है। तो अभी हम पहुँचे हैं मरी जीटी रोड पे, यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक जा रहा है जी जीटी रोड वाला छत्तर पार्क वाला, और एक जा रहा है मुजफ्फराबाद मरी और पथिराटा चेयर लिफ्ट। तो हम मोटरवे एक्सप्रेस वे से जाएंगे, ये मरी एक्सप्रेस वे है, तो हम यहाँ से जाएंगे, और इसका जो टोल है ना वो 100 रुपीस है। तो अभी हम जा रहे हैं इधर से, और ये साथ हमारे हफीज भाई हैं। हफीज भाई क्या हाल चाल है? बस ये ख्याल रखना टोल बढ़ा ना दिया हो, 100 रुपीस हो गया ना ब्रो, मतलब उससे और ना बढ़ा दिया हो। अच्छा तो क्योंकि हमारे साथ एक बंदा है ना वो उतर जाता है बार बार। नहीं मैं तो नहीं उतर रहा। तो हफीज भाई कैसा सफर जा रहा है आपका? यार बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह, और आपका भाई मजा आ रहा है? इनको डर है कि भाई कहीं गाड़ी नहीं ठोक दे, तो इनको पता है प्रोफेशनल आपका भाई, इनको बताएं, मैं व्लॉगिंग आज से नहीं कह रहा 3 साल से कह रहा हूँ, तो बस कुछ टाइम व्लॉग नहीं बनाए तो वो एक अलग बात है, बाकी आपका भाई व्लॉगिंग कर रहा है। तो अभी गाइस सीन ये है कि मैंने कोशिश की, और ये मेरे भाई मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कि कुछ ना कुछ डाल डेली, कुछ ना कुछ डाल, चाहे जो मर्जी है डाल। तो अभी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ ना कुछ डालता रहूँगा। अच्छा फिर भाई ये क्या है, मुझे आज तक नहीं समझ आई, ये मस्जिद है यहाँ जो है, लग तो मुझे भी मस्जिद नहीं है, बट ये कोई और चीज़ है, बिल्डिंग प्यारी पर ये है कुछ और चीज़। देखें जी मरी आहिस्ता से, नई कंस्ट्रक्शन, हाँ ये भी मेरा, ये भी उसी का, ये मदरसा टाइप कोई है मेरा ख्याल से।
अच्छा तो अभी ये आप देख रहे हैं पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता, सफ़र हमारा मरी की तरफ गामजन है। माशाल्लाह मज़ा आएगा आज मरी में, हमने जो इन्जॉय करना है ना उसका जो है ना लेवल ही और होगी इंशाल्लाह, फुल मज़े में। नसीब भाई मज़े मज़े। तो अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए फ्राई चिक्स पे, तो यहाँ से चाय वगैरह पियेंगे उसके बाद हम आगे जाएंगे। और हमारा सफ़र ना आज लंबा ही होता जा रहा है क्योंकि रस्ते रस्ते में हम एक एक जगह पे रुक के कभी पिक्चर्स बना रहे हैं कभी वीडियोस बना रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना तो अभी यहाँ पे अभी हम चाय पीते हैं। और टाइम जो अभी हो रहा है ना वो भी आपको बता देता हूँ कि टाइम अभी एक बज चुके हैं, तो अभी यहाँ से कितने बजे निकलते हैं ये देखें और उधर हम पहुँचते कितने बजे, बट उधर जाके रेस्ट ही करेंगे उससे बेहतर है रस्ते में इंजॉयमेंट करते हुए जाएँ। और आप बताएँ कि इंजॉय कर रहे हैं जी, मज़े कर रहे हैं भाई, और जो है ना अभी चाय वगैरह पीते हैं। और हसीब भाई के सिग्नल पूरे आ रहे हैं अभी, यहाँ इनके सिग्नल भाई पूरे आने थे रात को भाई से, रात को ट्रैकर की जो है ना हमने परमिशन लिया ओपन किए, हमने मरीज तक जाना है तो ट्रैकर को ओपन कर दें, तो वो ओपन हुए तो फिर हम जो है ना निकले। अभी फ्राई चिक्स पे हम बैठे हैं, इधर वीडियोस वगैरह बनाई हैं, साथ में इंशाल्लाह टिकटॉक भी हम अपनी पोस्ट करेंगे अच्छी अच्छी, तो उसके बाद चाय पियेंगे, चाय पी के फिर हम निकलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमने जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, अब हम भी हाँ। तो आप बताएं कैसा सफ़र आपका अभी तक रहा है? यार थकावट का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, चाय की तलब हो रही थी, चाय की तलब हो रही थी इसलिए हम यूँ रुके हैं। थोड़ा सा आपने ज़ोर से बोलना क्योंकि माइक थोड़ा सा दूर है, इस वजह से आवाज़ ना कम जाती। नहीं नहीं अच्छा बेहतरीन जाएगी, अच्छा बेहतरीन जाएगी ब्रो, इट्स आईफोन 15 प्रो मैक्स। ओह शशकी है ब्रो, ये शशकी आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, ये इधर मिलेंगे 15 प्रो मैक्स के जो है ना। और अपना रानी आप देख सकते हैं, रानी हमारी माशाल्लाह खड़ी है फुल मजे से PCY 341 समझ लिया। तो ये इस होटल पे रुकने का मकसद ये था, इसकी लोकेशन अच्छी है, आपको कैसा ये होटल लगा? मैं यार वाकई में टू बी ऑनेस्ट अच्छा है, अच्छा है बाकी, क्योंकि मैं इधर पहले गया था यहाँ पे रुका था और मैंने इनको कहा वहीं जाके हम चाय पियेंगे, खाना तो अभी हम नहीं खाए क्योंकि नाश्ता हमने माशाल्लाह अच्छा किया है, तो अभी हम यहाँ से चाय पीते हैं उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे और आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करेंगे। ओके अच्छा तो अभी हमारी चाय आ चुकी है, तो अभी हम पीते हैं चाय और उसके बाद फिर हमने आगे निकलना है अपनी डेस्टिनेशन पे। चाय भी पीते हैं, इनको तंग नहीं करते, अब चाय पीने देते हैं तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा हम पतराटा वाली साइड पे नीचे उतर गए हैं, कोटली सर्टियाँ वाला ये रास्ता जा रहा है, तो ये रास्ता बिल्कुल नीचे ही जाता है, तो यहाँ से आगे आएगा TDCP हमारा रिजॉर्ट, वो वहाँ जाके पता चलेगा कि कैसे हैं जी, क्योंकि ये सफ़र जो है ना गुमनाम है, गुमनाम जिसे कहते हैं गुमनाम सफ़र, ये वो सफ़र है। और इस पे चेयर लिफ्ट भी इधर ही आती है, पथराटा चेयर लिफ्ट जो है ना वो भी इसी रास्ते में आती है। अब मेरा ख्याल है ये उससे आगे जाके जो है ना है TDCP। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि उतराई है तो ब्रेक्स पे जो है ना कम से कम यूज़ करें, और बिल्कुल और लोअर गियर्स में जो है ना लोअर्स बिल्कुल उस पे गाड़ी को रखे, दूसरे गियर पहले, बाकी चीजें बाद में बिल्कुल आप बात समझ गए होंगे हफीज भाई की, सेफ्टी पहले बाकी चीजें बाद में। तो आप सेफ्टी में ये है कि मोबाइल यूज कर सकते हैं बट देख नजरें आपकी आगे होनी चाहिए, मोबाइल की तरफ आपकी नजरें ना हो आगे, वो कहते हैं आंख लगी और दुर्घटना घटी, ये वो वाला सीन है, चले तो चांद तक तो ना चले तो शाम तक। एक और बात भी होती है ना, तेज रफ्तारी मौत से यारी। हाँ तेज रफ्तारी मौत से यारी, मौत से यारी। हाँ तेज रफ्तारी और मौत से यारी, ये पहाड़ों पे अक्सर लिखा होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये रास्ता किसी के घर की तरफ जा रहा है, अब किसी के घर और माइंड नहीं कीजिएगा, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें नजर आ गया, तो हमने बोला वीडियो रिकॉर्ड किया। रिजोर्ट किसी ने घर पे बनाया वो रिजोर्ट, TDCP का पहला बोर्ड आ चुका है, वेलकम माशाल्लाह वेलकम कर रही है भाई हमें TDCP ने। अच्छा आप लोग बोल रहे मजाक कर रहे हैं भाई, वो सामने आप देख सकते हैं TDCP, वेलकम टू TDCP पथरियाटा चेयर लिफ्ट, समझ रहे हैं ये सीन है, व्यू चेक करें बस, इस व्यू के जो है ना पैसे हैं सारे। अभी हम पथरियाटा के पास ही पहुंचे हैं, तो यहाँ से स्नैक वगैरह ले रहे हैं हफीज भाई और रसीब भाई, देखते हैं क्या क्या चीज़ें उठा रहे हैं ये। तो बस अभी सामने पथरियाटा चेयर लिफ्ट आ गई है और उसके बाद हमने TDCP रिजॉर्ट जाना है, पहले अपने देखने सीन्स के रेस्टोरेंट हमारा कैसा है, हमारा रूम कैसा है, और उसके बाद फिर आगे हम निकलेंगे देखने क्या क्या लेना है।
और ये चीजें अभी तक खरीद ही रहे हैं। अभी जो है ना हम पथरियाटा पहुंच चुके हैं। ये पथरियाटा का पहले बाजार आता है, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट हैं, देसी मुर्ग कढ़ाई, और इसके बाद जो है ना अल्लाह आपको भला करे हम यहाँ से जाएंगे जब आगे स्ट्रेट तो सामने हमारे लेफ्ट साइड पे आएगा पथरियाटा चेयर लिफ्ट, वहाँ पे पार्क भी है, बच्चों को अगर आप लेके आना चाहते हैं तो आप लेके आ सकते हैं, बच्चे यहाँ पे इंजॉय करते हैं। और ये सारा आपका बाजार है, और यहाँ पे यंगो भी आ गए, यंगो। अच्छा तो ये लेफ्ट साइड पे है जी पथरियाटा चेयर लिफ्ट का रास्ता, पैदल आप यहाँ से जा सकते हैं, और इसकी आगे बड़ी पार्किंग भी है। लोग ये क्या करते हैं, ये रेस्टोरेंट वाले आपको पागल बनाते हैं, यहाँ पे रोक लेते हैं। आपने यहाँ पे रोकनी नहीं है गाड़ी, आपने गाड़ी को सीधा लेके जाना है। उधर नहीं जाना, कहीं और जाना। टिकट प्राइस पर 1500। ये किस चीज की प्राइस इन्होंने कर दी, चेयर लिफ्ट की पहले 1000 दी भाई। ओ भाई साहब, इन्होंने अभी प्राइस जो है ना बढ़ा दिया इसको 1000 से, ट्रैक जो है ना 15 पे लेगी। ये पथरियाटा एडवेंचर पार्क है बच्चों के लिए, साइड पे सारा पथरियाटा का पार्क है बच्चों के लिए, और ऊपर जाके जो है ना चेयर लिफ्ट है। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, अगर आपने जब गाड़ी पार्क करनी हो तो ये सामने पार्किंग है, इसकी फीस भी मैं आपको बता देता हूँ, काफी खुली पार्किंग है और सेफ पार्किंग है। तो यहाँ पे आप गाड़ी जब पथरियाटा है तो आप गाड़ी यहाँ पे पार्क किया करें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और इसकी पार्किंग फीस जो है वो है गाड़ी के लिए 100 रुपीस, पहले ये 70 हुआ करती थी, अभी 100 कर दी इन्होंने। तो हर जगह पे अब जो है ना चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। अभी हमने जाना है नीचे, हमने जाना है ऊपर। खानाबदोश ग्लैम भी इधर ही है, वाह 5 किलोमीटर के ड्राइव है। गाड़ी को लगता है जोर जब गाड़ी जाती है ऊपर, बिशोर ये ऊपर से जा रही थी चेयर लिफ्ट, वो चेयर आ रही है, वो चेयर आ रही है, वो चेयर आ रही है। देखो कहाँ रह गया तुम्हारा आने वाला है, सीधे जाने बता रहा है। इधर ही होगा। फीस भाई ने जो है ना लोकेशन गलत लगाई हुई थी, हमें गलत जगह पे लेके आ गए, और उधर जाके बोलते हैं ये हम कहाँ आ गए। तो मैंने बोला यार फीस भाई क्या लोकेशन लगाई है, फिर दोबारा मैंने जब खुद लोकेशन लगाई वो अभी 7 किलोमीटर दूर थी हमसे। बट अब क्या कह सकते हैं, फीस भाई ने अब लोकेशन लगाई, अब कुछ बोल तो सकते नहीं आप, बड़े हैं हमसे तो इज्जत करते हैं हम, इसी वजह से चुप हो गए। अभी जा रहे हैं आगे, देखते हैं साथ में सफ़र इंजॉय कर रहे हैं, कभी तो ऊपर से चेयर लिफ्ट आती है कभी जाती है, ये भी सीन चल रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा तो हम TDCP जो पॉड्स बने हुए थे वहाँ गए हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। आपने उसकी वीडियो बनाई थी? नहीं, वीडियो बनाई भी है बट मैं नीचे चला गया था रूम देखने के लिए, बट बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था यार हमारे अलावा, वहाँ पे कोई बंदा नहीं था तो हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वहाँ से अभी हम वापस जा रहे हैं, तो अभी जाके देखते हैं मरी में माल रोड पे जाके कोई होटल देखते हैं, ऐसे हमारा जो मेरा मूड है तो वो जाके मोमेंट पिक नहीं रुकते हैं, बट अभी चलते हैं तो फिर ही पता चलेगा कि क्या सीन है। तो बड़ा बैड सीन रहा, और काफ़ी ऊपर हम गए, अभी नीचे जा रहे हैं, पथरियाटा से भी 20 मिनट लगते हैं ऊपर जाते हुए ऐसे ही। और ये अभी हमारे एप्पल ब्रेक हुई है ना, हाँ अभी इनकी ना एप्पल ब्रेक हुई, क्योंकि अभी से बस जब से सुबह से नाश्ता करके निकले हैं अभी तक कुछ खा घुमा रहा है हमें। हाँ चुप कर जाओ। अच्छा उसके बाद अभी जो टाइम हुआ है 3:20 हुए हैं, तो आगे अभी जो है ना सफ़र अभी काफ़ी ज़्यादा है, पर ये मेरी बात मान ही रहे, इनको कब से बोल रहा हूँ चलो 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 यार चलो, नहीं चल रहा, चलते हैं आगे देखते हैं। वो देख रहे चेयर लिफ्ट जा रही है, वो चेयर लिफ्ट आ रही है वहाँ से मज़े की, इतना गुस्सा क्या है जिस चीज़ के ब्रो। तो फाइनली हम आ चुके हैं जी मरी, नथिया गली या यूबिया, हमने यहाँ से जाना है जी मरी। आई लव मरी, ओ माशाल्लाह। अभी हम मरी आ चुके हैं जी, और मौसम आपके सामने है, कितना रोमांटिक मौसम है जी। वेलकम मरी ने भी हमें वेलकम कर दिया जी,
तो वेलकम हो गया जी मरी में। कश्मीर पॉइंट गवर्नर हाउस सीधा स्ट्रेट जाएंगे तो आएगा, तो अभी हम स्ट्रेट जा रहे हैं, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। अलबेग पे भी हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे होटल। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। हम आ चुके हैं जी अलबेग, अभी हम चलते हैं कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद अपना होटल चल के देखते हैं कि होटल कौन सा हमारा। और मरी का वेदर आप चेक करें कितना प्यारा है, थोड़ी थोड़ी फॉग है बट मज़ा है। रानी हमारी ये लग चुकी है। और मौसम कैसा है? मज़ा आ रहा है? Awesome. और आप बताओ स्पॉटर? स्पॉटर गुड है, गुड हो गया। माशाल्लाह फीस बहुत प्यारे लग रहे हैं आज, मौसम अच्छा है ब्रो। अलबेग पे आए, ऑर्डर हमने दे दिया, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद जो है ना, ये क्यों देख रहे ऐसे क्यों देख ऐसे क्यों देख रहे ब्रो? मैं देख रहा हूँ क्या कर रहा है। अच्छा, और हफीज़ भाई कैसे हैं? मैं हसीब को देख रहा हूँ कि वो मुझे क्यों ऐसे देख रहा है। हाँ यही बात है, मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं, खतरनाक है ये लड़का, कुछ ना कुछ करेगा। चलें ये ऑर्डर आता है तो फिर आपको बताते हैं। ऑर्डर हमारा आ चुका है जी। अच्छा कर देते नहीं, कैंसिल करें। ये विंग्स और थाए हैं और साथ में है जी फिंगर चिप्स और साथ में नेक्स्ट कोला की कोक ये क्या तुम लोग लगे हुए? तो अभी चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और खाना खाते हैं, खाना खाते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी, फौरन फौरन गरम गरम। ये है जी फिंगर फिश, इसका जो है ना ये तो गरम गरम है और फुल टेंडर है और टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत आला है। कैसा है? बेहतरीन है, आला। बस तो अभी हम जैसे ही इधर पहुँचे हैं, अलबेग हमने खाया है, उसके बाद बुलंद हाइट साथ ही अलबेग के साथ होटल है, इनके हम रूम चेक करने जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं रूम चेक करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कौन सा रूम लेना है और कौन सा नहीं। और ये इनका लाउंज है, देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा डेकोर किया है, ये काफ़ी बड़ा लाउंज है, थोड़ा छोटा नहीं है। तो विजिट कराने लगा हूँ, ये है डिलेक्स रूम, आ जाए। ये है जी इनका वॉशरूम, वॉशरूम आप चेक करें कितना नीट एंड क्लीन है। आप थोड़ा सा आगे चले जाएँ और चेक करवाएँ। अच्छा इधर आपको आ जाते हैं, एक बेड आ जाते हैं मास्टर बेड, और इसके साथ ही LCD आ जाती है, और बाहर चलें तो सामने टेरेस आ जाते हैं। टेरेस का भी व्यू आप चेक कर सकते हैं, टेरेस का व्यू माशाल्लाह अच्छा है। और होटल का नाम आप फिर से दिखा दें, बुलंद हाइट्स। बाकी साथ ही अलबेग है, नीचे आप चेक करें तो साथ ही अलबेग नज़र आ रहा है, अलबेग। तो ये है, ये डिलेक्स रूम है। अब आगे चलें दूसरा रूम देखते हैं। ये है जी टेरेस, और यहाँ का व्यू आप चेक करें, सामने इनकी पार्किंग है और यहाँ पे होटल है। व्यू माशाल्लाह बहुत। अभी हम इस रूम में जा रहे हैं, वो है फैमिली सुइट। इसमें जैसे ही आप एंटर होते हैं तो वॉशरूम है, और वॉशरूम के बाद आपको साथ ही मास्टर बेड मिल जाते हैं, और अगेन आपको LED मिल जाती है, और साथ में बेड पे आपको एक और बेड मिल जाता है। वाह, ये फैमिली सुइट रूम है, एक ये बेड है, और इसके साथ ही आपको अगेन जो है वॉशरूम मिल जाता है। वाह, इसके साथ भी वॉशरूम है अगेन, और सामने आपको DC इन्वर्टर मिल जाता है, और साथ में आपको रात को अगर TV बनानी है, ग्रीन टी बनानी है, चाय बनानी है, एवरी डे का मिल्क चाय बना सकते हैं, और साथ में आपको मिरर मिल जाता है सामने ही, और अगेन आपको टेरेस मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में।
अच्छी जगह पे, ये है टेरेस, यहाँ पे आप चाय वाय इंजॉय कर सकते हैं, बैठ के मज़े कर सकते हैं। बाकी सामने तो आप देख सकते हैं वही है। अभी हम जो है ना माल रोड पे आ चुके हैं, आज इतना रश नहीं है जैसे पहले हुआ करता है, तो आज बिल्कुल जो है ना रोड खाली है। तो अभी हम चलते हैं आगे और आपको आगे के व्यूज़ भी दिखाते हैं, साथ साथ जो शॉप्स हैं वो भी दिखाते हैं माल रोड पे कौन कौन सी शॉप्स हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से माल रोड स्टार्ट हो रहा है, सामने आपके जो है ना जी पी ओ है, मेन ये आपका मेन जी पी ओ है, ये जी पी ओ है आपका मेन। वाओ, यस, लुकिंग लाइक वाओ। ये है जी नंडियोर की शॉप माल रोड पे, और ये है हमारे हसीब भाई और हफीज़ भाई, देखे शोले देख रहे हैं, बेगम के लिए जब शादीशुदा बंदो हो जाए ना तो यही काम देखते हैं कि कोई मरी आए कोई अच्छी सी चीज़ लेते जाए हैं बेगम के लिए, बेगम खुश हो जाए, हाँ, ताकि लड़ाई ना हो जाए ना, ख्याल रखना होता है भाई बेगम का ना, ख्याल रखना होता है। ये है $1 शॉप भाई, $1 शॉप से भी आप कुछ ले सकते हैं, और ये शूज़ मार्केट भी है, यहाँ से आप शूज़ वगैरह भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये हमारे भाई ऐसे लग रहे हैं जैसे माल रोड पे बिछड़ गए हैं, अनारकली बाज़ार में घूम रहे हैं ऐसे लगते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ना ऊपर होटल मिलेंगे, नीचे आपको शॉप्स मिलेंगी, और इधर आपको जो है ना मिल्क शॉप, चाय, क्रीम, कॉफ़ी, तो ये मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं आगे माल रोड की तरफ, बाकी आपको दिखाएँगे, ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाते, कोई थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे कि आप हमारी वीडियो तो नहीं बना रहे। बैंक इस्लामी भी है और साथ में बंदूक खान भी है, बंदूक खान आप जानते होंगे, बंदूक खान। तो ये सीन्स है, ये है पुलाव घर। ओह सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सामने वाइट अनियन, ये सारी शॉप्स हैं, आज रश नहीं है, ये बोला मज़ा नहीं है खास, इसको मज़ा, ये मज़े लेने आया यहाँ पे। ये है कि बाइक आ गया इसलिए शोर ज़्यादा आया होगा, तो आप इसलिए टेंस नहीं होना आपने। तो सामने है जी बंदूक खान, और ये है जी ऊपर PHA लिखा हुआ है सामने, और दरख्तों को देखें कैसे सजावट किया हुआ है। ओह ज़्यादा 5X पे हो गया पूरा। तो अभी हम आ गए हैं जी उस्मानिया रेस्टोरेंट के पास, तो अभी हम आगे चलते जा रहे हैं, अभी हम माल रोड पे ही हैं। ये देखें आप जी, ये है जी माल रोड माशाल्लाह, और ये है जी लाहौर रेस्टोरेंट, और सामने रहा उस्मानिया रेस्टोरेंट, और ये मार्केट है पूरी, चीज़ें वीज़ें अगर आपने लेनी है बच्चों के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं, शॉपिंग शॉपिंग आप कर सकते हैं। मेरे लड़के कहाँ गए हैं? अच्छा जी, ये चेक करें आप, ये मरी की सारी जो है ना हिस्ट्री इसके ऊपर लिखी है, आप जब आएँ मरी तो इसको एक बार ज़रूर देखें। ये माल रोड से आप जब एंड पे आते हैं ना तो यहाँ पे है, सामने लिखा है आई लव मरी, और सामने है जी माल रोड का बोर्ड। अभी माल रोड पे चल चल के हफीज़ भाई की जो है ना बस हुई पड़ी है। हफीज़ भाई क्या हुआ है? माल रोड पर चल चल के ना बंदा वैसे ही थक जाता है, और अभी यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है, जैसे होता है ना माल रोड पे रश, आपने मेरे पहले ही व्लॉग देखे होंगे, अभी बिल्कुल आप देख सकते हैं खाली है भाई। हाँ भाई साहब थक चुके हैं फुल माहौल में। ये रहा जी मूमेंट पिक, और सामने है GPO चौक, ये आपका मूमेंट पिक होटल है, और ये रहा GPO चौक, और ट्रैक्टर यहाँ पे आ गया, चलान हो गया इसको। तो अभी हम मूमेंट पिक आए थे खाना खाने के लिए, और यहाँ पे हमने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की है, और साथ में टिक्का किया था, बट मूड ऑफ हो गया भाई का। तो अभी हम खाना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर वापस होटल जाएंगे, थके हैं आज, और रेस्ट भी करनी है, अभी जाके गपशप भी लगानी है, तो उसके बाद से इन दोनों ने तो शुरू कर दिए साथ, देख सकते हैं आप, ये वेट नहीं करते भाई, ये वेट नहीं करते, भाई का बंदा वेट कर लेता बट नहीं, वेट नहीं है भाई। अच्छा तो ये साथ में है खीरा, फ्रेश खीरा, खीरा। तो आपके भाई ने बस यही लिया क्योंकि चिकन आपका भाई इतना खाता नहीं है,
और ये तो माशाल्लाह खाते हैं फिश। तो अभी जो है ना इसका टेस्ट जो है ना वो आपको करके मैं बताता हूँ इसका टेस्ट कैसे गरम गरम फ्रेश फ्रेश बने। अल्लाह मज़े का टेस्ट है यार, मुझे तो मज़े का लगे। इनसे पूछता हूँ कि इनको कैसा लगे। हाँ जी भाई आपके क्या रिव्यूज़ हैं? अच्छा है भाई। अच्छा है जी। और भाई साहब आप? अच्छा माशाल्लाह चलें जी मोमेंट पिक हो गया पास खाने में। अभी हम जो है होटल आ गए अपने वापस बुलंद हाइट्स ऊपर अभी जाना है। तो अभी हफीज़ भाई का जो मूड है ना डोनेट खाने का, ये बोलते हैं चाय के साथ जो है ना डोनेट खाएंगे ऐसे मज़ा। तो चाय के साथ डोनेट खाने हैं तो अभी वो डोनेट लेने गए हैं। डोनेट लेते हैं तो फिर हम जाएंगे ऊपर बुलंद हाइट्स पे, तो देखते हैं कौन से डोनेट्स ले रहे हैं। अच्छा अच्छा सही है, दो आप अपनी मर्जी से डालो जो भी आपको। अच्छा जी डोनेट ले रहे हैं जी भाई साहब डोनेट्स। कौन कौन से लिए हैं आप? ट्रिपल चॉकलेट, वनीला चिप, बॉस्टन क्रीम। अच्छा और वनीला स्प्रिंकल। सही है। और बाकी दो उनकी पसंद के। तो अभी खुश हैं? और आप खुश हैं? खुश हैं। अभी भी खुश नहीं तो चमाटे पड़ेंगे। अच्छा डोनेट्स हमने ले लिए हैं तो अभी हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं ऊपर बुलंद हाइट्स। ये है जी और हाइट पे ही जाना है हमने बिल्कुल हाइट पे ही। यार चलो मैं हैंग करता हूं ना। क्या सही है आ जाओ। कौन उठा लेगा ये लड़का उठा लेते सामान, इसको मेरे को मसला नहीं है ब्रो। तो ये चक्कर अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। अभी हम अपने रूम में आ चुके हैं। ये है जी हमारा वॉशरूम। ओहो माशाल्लाह लुकिंग सो हैंडसम माशाल्लाह। अच्छा ये है हमारा वॉशरूम नीट एंड क्लीन। गर्म है ब्रो। और ये जो है LCD है और ये बेड है और अभी मैट्रेस पे वो बिछा देते हैं। तो बाकी जो है ये टेरेस का व्यू आप चेक करें अभी। ओह माशाल्लाह नाइस। वो सामने रही हमारी अपनी गाड़ी। हाँ चलें जी ये सीन्स हैं। तो अभी जो है ना इन्होंने TV ऑन कर दिया भाई। लेट गया ब्रो जल्दी थक गया। तो आज का जो एंजॉय करना था वो कर लिए। तो अभी जो है ना काफ़ी नींद आ रही है तो अभी हम लगे हैं सोने। तो ओके गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।